मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे बेटे आएंगे या डायलॉग सुनकर आप सभी को फिल्म की तो याद ज़रूर आती होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका जिक्र आज भी होता रहता है। वह और कोई नहीं बल्कि साल 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन है। बता दें कि इस फिल्म ने अपने 27 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा काजोल और ममता कुलकर्णी लीड रोल में हैं। 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म में हर किसी ने अपने किरदार को बखूबी पेश किया था, जिसमें लोगों ने बिंदिया यानी ममता कुलकर्णी के किरदार को भी काफ़ी पसंद किया था। लेकिन इन बीते 27 सालों के बाद आज वे कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं, इन बातों को कोई नहीं जानता। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके आज के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। करण अर्जुन की मूवी में बिंदिया का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नाम ममता कुलकर्णी है, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था और इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से हुई। अगर बात करें इनके फिल्मी करियर की, तो फिल्मी करियर से होने के नाते इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री आसानी से मिल गई थी, पर इन्हें अपनी पहली फिल्म पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। जब कहीं जाकर इन्हें साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा में एक मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने का मौका मिला। इस तरह से इस किरदार को निभाकर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इनके इसी शानदार प्रदर्शन को देखकर कई और निर्माता प्रभावित हुए और इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया, जिसे इन्होंने बखूबी स्वीकार किया और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा, जिसमें मेरा दिल तेरे लिए, आशिक आवारा, भूकंप, वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम शामिल हैं। पर अचानक इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और वापस नहीं आई। इन्हें आखिरी बार साल 2002 में आई फिल्म कभी तुम कभी हम तार निभाते हुए देखा गया था। वहीं अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ममता कुलकर्णी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड ड्रम माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की थी, लेकिन एक्ट्रेस कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और इसे हमेशा एक अफवाह ही बताया। कहा जाता है कि ममता 10 साल तक विक्की के साथ दुबई में रहती थी। वहीं कई बार ये तक लिखा गया है कि इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर कई अवैध काम भी किए थे। लेकिन अगर बात करें इन फिल्म में बिंदिया के किरदार में नज़र आई ममता कुलकर्णी की आज के बारे में, तो आपको बता दें वर्तमान में ममता कुलकर्णी ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं और इन बीते सालों में अभिनेत्री पहले से काफ़ी बदल चुकी हैं, जिन्हें देखकर पहचान पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वह पहले से काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं, जिसके चलते अब पहले की तरह खूबसूरत भी नहीं नज़र आती है। एक्ट्रेस अब बॉलीवुड से बहुत दूरी बना चुकी हैं, जहां समय के साथ उनका चेहरा भी बदल गया है। तो दोस्तों, आपको ममता कुलकर्णी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।